students, this is your EVS class. In our previous video, we had discussed about globes and maps. Chapter 1st, globe or map. इसमें हमने discuss कर लिया था about northern hemisphere and southern hemisphere. मतलब northern, उत्तरी गोलार्ध के बारे में और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में इसने हमने पढ़ लिया था. Which continents comes in northern hemisphere? Northern hemisphere में कौन कौन से continents आते हैं? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ये सब. और southern hemisphere में ऑस्ट्रेलिया, ओशन, अंटार्कटिका, ये सब southern में आते हैं. मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध. Now another imaginary line divides the earth into the eastern and western hemisphere. दूसरी imaginary line है वो earth को कितने parts में divide करती है? Two parts में. Eastern hemisphere और eastern hemisphere और western hemisphere. मतलब उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध. This line is called the prime meridian. इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा. ऐसे जो आती है उसको अक्षांश रेखा, ऐसे जो आती है उसको देशांतर रेखा. दिस लाइन रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और ये लाइन कहाँ से? नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक रहती है. ओके. वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर. देखिए अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स आते हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया, अफ्रीका और इधर अंटार्कटिका. ओके, लेट्स सी, दिस इज द वर्ल्ड. ओके, दिस लाइन इज इक्वेटर एंड दिस लाइन इज वी कॉल प्राइम मेरिडियन. ओके, now here map. What is the definition of map? A map is a flat drawing of the earth or of any part of it. Map क्या होती है? एक flat drawing होती है जिस किसकी? earth की और इसके कोई भी part की. A map of the world shows the entire world at one time. map से हम पूरे world को एक time में देख सकते हैं. आप देखते हो ना इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, राजस्थान का मैप, जिसमें हम कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी के बारे में हम देख सकते हैं. मोस्ट मैप्स इंक्लूड ए सिंबल कॉल्ड ए कंपास रोज दैट शोज द फोर मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर मैप में ये चार डायरेक्शंस होती हैं. These are called the cardinal directions. इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डायरेक्शंस जो होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, cardinal directions. A compass rose might show intermediate directions too. इसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती है जो इनके बीच बीच में होती है ना, मिडिल में. वो दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. हियर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट. ऑफन एब्रीविएशंस आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शंस ऑन ए कंपास रोज. लगभग हम इन डायरेक्शंस को संक्षिप्त रूप में, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट में यूज करते हैं. जैसे नॉर्थ का एन, ईस्ट का ई, नॉर्थ ईस्ट का एन ई, ऐसे ये एब्रीविएशंस में यूज करते हैं, शॉर्ट में यूज करते हैं. मैप सिंबल्स, अब देखिए. All maps have a key or a legend in corner. हर मैप के कॉर्नर में की होती है. The legend or key explains the symbols used in a map. और ये की क्या करती है? जो मैप में जो सिंबल दिए हुए होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है. जैसे कंट्री बॉर्डर, कंट्री बॉर्डर अगर पूरे मैप में जहाँ भी कंट्री बॉर्डर का ये साइन होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इस कंट्री का बॉर्डर है. स्टेट बॉर्डर, उसका साइन ये है. नेशनल कैपिटल, अगर किसी नेशनल, कोई नेशनल कैपिटल जैसे हमारी कौन सी है? दिल्ली. उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये साइन होगा. स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल का साइन ये वाला. और मेजर सिटी,
ये साइन होगा, ओके। ये सब साइन अगर वहाँ पे है तो हमें समझना है कि उसका मतलब ये होता है। ये हमेशा किसी भी मैप के कॉर्नर में आपको दिया हुआ मिलता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।